दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को आखिरकार जमानत मिल गई। दरअसल दिल्ली की एक कोर्ट ने सागर धनखड़ की हत्या के मामले के आरोपी सुशील कुमार को सोमवार को मानवीय आधार पर उनके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 4 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। सुशील कुमार पहलवान 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में है। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सोमवार को सुशील कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें 4 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने सुशील कुमार की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी सुशील कुमार के पिता की मौत हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। कोर्ट ने मानवीय आधार पर आरोपी को 6 से 9 मार्च तक के लिए 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 श्योरिटी पर अंतरिम जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि गवाहों को खतरे और सुशील कुमार की सुरक्षा को देखते हुए कम से कम 2 सुरक्षाकर्मियों को 24 घंटे आरोपी के साथ रहना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि निगरानी और सुरक्षा के लिए जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे उसका पूरा खर्चा सुशील कुमार के परिवार को वहन करना होगा। आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि वो अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 10 मार्च को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करे। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील एडवोकेट नितिन एस वरिष्ठ ने सुशील कुमार की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला गवाही के स्तर का है और आरोपी से गवाहों को खतरा है, ऐसे में उसे अंतरिम जमानत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने सुशील कुमार को हिदायत दी है कि वो अंतरिम जमानत अवधि के दौरान गवाहों को धमकी नहीं देंगे, साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आरोपी किसी अपराध में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसकी अंतरिम जमानत रद्द की जा सकती है। आपको बता दें कि सुशील कुमार उन 18 आरोपियों में से एक हैं जिन पर मई 2021 में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में एक संपत्ति के विवाद को लेकर जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ को पीटने का आरोप है। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।